देश प्रेमी लोग हैं। और मोदी जी, हम एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस भारत की जो शान आपने बढ़ाई है, इस भारत का जो मान आपने बढ़ाया है, ये भारत अब कमजोर देश नहीं रहा, ये पुरानी सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, ये ऐसी सरकार है, इसकी ओर अगर कोई टेढ़ी नजर इस भारत की ओर देखेगा, अगर भारत की ओर कोई टेढ़ी नजर देखेगा, तो उसकी टेढ़ी नजर निकालने का काम मोदी जी की सरकार करेगी, ये मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। भंडारा गोंदिया की सीट पर हमारा मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ है जिस टीम के कैप्टन ने पहले ही खेलने से मना कर दिया। अपने आप को इस टीम का उपकप्तान बनाने बताने वाले प्रफुल्ल भाई पटेल ने भी खेलने से मना कर दिया और इस टीम को बाहर से समर्थन देने वाले नाना पटोले नागपुर चले गए और वहां पर अपनी जमानत बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये जो मुकाबला हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गोंदिया में, गोंदिया भंडारा के इतिहास में ये सबसे बड़ी सभा हो रही है, मैं दावे से कहता हूं भंडारा गोंदिया के इतिहास का सबसे बड़ा विजय ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति यहां पर हासिल करेगी। अभी अभी परसों हमारे उम्मीदवार सुनील मेंढे को एनसीपी के उम्मीदवार मिले और उनके सामने कहने लगे, अरे सुनील, मेरे पास प्रफुल्ल भाई है, प्रफुल्ल भाई के पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, हेलीकॉप्टर है, तेरे पास क्या है? सुनील ने कहा, मेरे पास मोदी है। एक नौजवान जो हमने यहां पर दिया है, ये नौजवान इतिहास करने वाला है और आज देश के अंदर जिस प्रकार का जोश देखने को मिलता है, मैं तो हैरान हूं जिस प्रकार का समर्थन आदरणीय मोदी जी को यहां पर मिलता है। मोदी जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र में इतिहास रचेगा और महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हमें मिलेगी। आज या भंडारा गोंदिया मने या ठिकाणी आपण बघितलं असेल, आपलं सरकार आल्यानंतर सातत्याने इथले प्रश्न आपण सोडवले, मग गोंदियाचा नजूलचा प्रश्न असेल, या ठिकाणी भंडाराचा गोंदियाचा आमचा भोगवटार वर्ग दोन वर्ग एकचा प्रश्न असेल, या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्यांचा धानाचा बोनसचा प्रश्न असेल। मला सांगताना अभिमान वाटतो, 15 वर्षामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीने एकूण धान खरेदी केली 1300 कोटीची आणि आम्ही 5 वर्षात केली 3500 कोटी रुपयाची धान खरेदी आणि माझा दावा आहे, उभ्या देशामध्ये 500 रुपये या ठिकाणी बोनस हा धाना करता देणार मोदीजींच्या नेतृत्वातलं महाराष्ट्र राज्य आहे की जे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे। आज आपण बघितलं या ठिकाणी आपल्या ज्या वेगवेगळ्या सिंचनाच्या योजना आहेत, मैं प्रधानमंत्री जी आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस महाराष्ट्र को आपने सिंचाई के लिए जो पैसा दिया वो अभूतपूर्व है। हमारी कोसे खुर्द जैसी योजना जो कभी समाप्त ही नहीं होती थी, आज आपने उसको पैसा दिया, 1.5 लाख हेक्टर जमीन पानी के नीचे आ रही है। हमारी कोसी खुर्द हो, धापेवाड़ा टप्पा 1 हो, धापेवाड़ा टप्पा 2 हो, पूरा टोला हो, किमगा हो, कटंगी हो, कालपात्री हो, पिड़के पार हो, ये सारे के सारे प्रकल्प आज यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। रजेगांव काटी, तेड़वा सिवनी, झांसी नगर, पांडरवानी, ये सारे के सारे प्रकल्प जो केवल केवल कागज के ऊपर थे,
ये सारे प्रकल्प आज शुरू हो रहे हैं और मोदी जी ने इसके लिए हमको इतना निधि दिया। आने वाले 2 सालों में ये सारे प्रकल्प पूरा करके भंडारा और गोंदिया को हम लोग यहाँ पर सही मायने में पूरे तरीके से सुजलाम सुफलाम करेंगे। ये जनता देशभक्त जनता है, हमारे गोंदिया भंडारा के जो लोग हैं ये देश प्रेमी लोग हैं। और मोदी जी, हम एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस भारत की जो शान आपने बढ़ाई है, इस भारत का जो मान आपने बढ़ाया है, ये भारत अब कमजोर देश नहीं रहा, ये पुरानी सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, ये ऐसी सरकार है, इसकी ओर अगर कोई टेढ़ी नजर इस भारत की ओर देखेगा, अगर भारत की ओर कोई टेढ़ी नजर देखेगा तो उसकी टेढ़ी नजर निकालने का काम मोदी जी की सरकार करेगी, ये मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। दोस्तों, हमारे सेना में क्षमता तो हमेशा थी, ये भारत की सेना है, ये ना रुकती है, ना थकती है, ना बिकती है, ये भारत की सेना है, इसमें हमेशा ताकत थी, लेकिन भारत के राजनेताओं में, भारत के प्रधानमंत्री में ताकत नहीं थी कि 2008 में जब बम विस्फोट हुए तो इस सेना को कह देते जाओ मेरे लोग मरे हैं उसका बदला लो, लेकिन ये ताकत मोदी जी में थी और मोदी जी ने यहाँ पर ये दिखा दिया। हमारी सेना को कहा जाओ तुम्हारा पराक्रम दिखाओ और ऐसा पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया। दोस्तों, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं होता, मोदी जी तो ये करने ही वाले हैं क्योंकि ये मोदी जी हैं। आश्चर्य इस बात का होता है जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या बोलता है, पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में आए, हमारे लोगों को मार डाले, हमारे जवानों को मार डाले। और एनसीपी का मैनिफेस्टो कहता है पाकिस्तान के साथ संवाद होना चाहिए, एनसीपी का मैनिफेस्टो कहता है पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। बताइए, क्या एनसीपी का मैनिफेस्टो अगर ये कहता होगा, बताइए पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत होनी चाहिए, बताइए। अरे शर्म आनी चाहिए जो लोग कहते हैं एक और हमारे जवान मर रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि जाकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, पाकिस्तान के साथ बिरयानी खाओ। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, यहाँ पर अगर कोई हमला करेगा तो ये भारत घुसेगा भी और मारेगा भी, ऐसा भारत है। और इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही निवेदन अंत में करना चाहता हूँ, बालाकोट का जो हमला हुआ उससे भारत की जो साख बड़ी है, हम मोदी जी का हमेशा ही ताली बजाकर स्वागत करते हैं, लेकिन बालाकोट के लिए एक बार हम ऐसा स्वागत करें कि जो स्वागत अनोखा हो। सब लोग अपना मोबाइल निकाले, निकालिए भाई मोबाइल, सब लोग मोबाइल निकालिए, अपने मोबाइल का लाइट ऑन कीजिए, करोड़ों जुगनू दिखने चाहिए। ये देखिए, ये उनके लिए जिन्होंने पराक्रम किया, हमारे पराक्रमी सेना के लिए और हमारे पराक्रमी प्रधानमंत्री जी के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मुझे विश्वास है 11 तारीख को सुनील मेंढे ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उतर रहे हैं और ये ओपनिंग बैट्समैन आपके आशीर्वाद से सेंचुरी बनाकर ही लौटेगा। जय हिंद, जय भारत।